एक्चुअली में क्या है ना कि एक स्क्रीन होती है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन। स्क्रीन ठीक है, ये इसी तरह होगी जैसे ये व्हाइट बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्क्रीन है, ठीक है। इसका दो साइड होगा, एक होगा एंटेरियर साइड और एक साइड पोस्टेरियर, यानी कि हर चीज़ का कुछ एंटेरियर साइड होता है और पोस्टेरियर साइड होता है। जैसे हाथ का भी होगा, ठीक है ना, पोस्टेरियर साइड भी होगा, तो इसमें भी एक एंटेरियर साइड होता है और एक इसका पोस्टेरियर साइड होता है, ठीक है। इसका जो एंटेरी एक साइड जो होता है वो विजुअल साइड होता है, यहाँ पे, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा हो जाए अपने आँख को लेके, ये क्या है, आईज, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और इस स्क्रीन को देख सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तो ये स्क्रीन को यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं, मेरे आँख से ये विजिबल हो जाएगी, ये आँख है तो इससे क्या होगा, ये विजिबल हो जाएगा। दूसरे साइड एक पेशेंट खड़ा रहेगा जिसका एग्जामिनेशन होना है। तो मान लीजिए कि ये एक पेशेंट है, ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा है, ठीक है। तो ये अगर खड़ा हुआ है, खड़ा कर ही दीजिए, ये अगर खड़ा हुआ है तो होगा क्या कि आप इधर से एक्सरे देते हैं, एक्सरे का सोर्स, तो इधर से निकलेगा एक्स रे। तो एक्सरे जब निकलेगा तो इसके बॉडी पे जो पड़ेगा तो इसके वीडियो इमेज यहाँ पर क्या आएगी, विजुअल इमेज, रियल टाइम इमेज आएगी, रियल टाइम इमेज। ठीक है, और ये जो रियल टाइम इमेज आएगी ये आप देख सकते हैं, जब तक ये खड़ा रहेगा तो इसका हार्ट सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, वो दिखाई देगा, रिप्स दिखाई देगा, सारी चीज़ दिखाई देगी, और ये हट जाएगी तो फोटो डिसअपीयर हो जाएगी। इसी को हम लोग फ्लोरोस्कोपी कहते हैं।